ओके तो मैम बताइए मुदस्सर जी के साथ कुछ कुछ तो आने वाला है, लेकिन क्या आने वाला है? बहुत बड़ा धमाल आने वाला है और बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रही थी कि मुझे भी मौका मिले कि मैं यू नो मुदस्सर जी के साथ काम करूं, और वो दिन आज आ गया और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्द धमाल आने वाला है। कुछ तो हिंट दीजिए, क्या धमाल आने वाले? एक एल्बम है, सॉन्ग है, वीडियो है। ऑब्वियसली कोरियोग्राफर, इतने हिट कोरियोग्राफर के साथ खड़ी हूं, दैट मींस कि कुछ यू नो बड़ा गाना आने वाला है, और टी सीरीज के लिए है ये, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। ओके, म्यूजिक वीडियो, डांस वीडियो है, डांस का सॉन्ग है, मस्ती है, उसमें एक छोटी सी कहानी भी है, और शी इज प्लेइंग वेरी यू नो लवली लाइवली गर्ल, और बहुत एनर्जी है उसमें, एंड एक छोटी सी कहानी भी जुड़ी हुई है, और काफ़ी डांसर्स भी हैं, एंड इट्स इन अ इंडोर लोकेशन, इट्स वेरी वेरी यू नो डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड समथिंग रियली मिक्स्ड विद इंडियन एंड हिप हॉप एंड डांसिंग एंड यू नो कल्चरल सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। ओके, सो किस टाइप का डांस है? मतलब काफ़ी जनर्स होते हैं इस डांस में भी? सी बेसिकली आई कैन से बॉलीवुड बट विद द न्यू एज स्टाइल, इट्स दैट्स काइंड ऑफ स्टाइल। ओके मैम, कितना डिफिकल्ट रहा आपको ये सीखने में या फिर मतलब करने में? डिफिकल्ट तो है, बट एट द सेम टाइम शी डिड इट, शी इज डूइंग ग्रेस, कर रही हूँ, और ग्रेस है ना, अभी आप जिस जहाँ से मैडम आ रही हैं वहाँ कल्चर और ग्रेस बहुत ज़्यादा बचपन से सिखाया जाता है, तो ऑटोमेटिकली डांसिंग के लिए इतना टाइम लगता नहीं है, और ऑलरेडी शी इज़ अ सिंगर, तो वो म्यूजिकली नॉलेज भी रहती है, बॉडी में रिदम रहती है, तो बट बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब कभी डांट फटकार पड़ गई? डांट अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ टेक्निक्स यू नो नए नए टेक्निक्स सीखने को मिल रहे हैं। बड़े आर्टिस्ट के लिए डांट ये होती है कि क्या कर रहे हो, बस वो ही डांट होती है। मतलब इन फ्यूचर डर तो है कि पड़ जाएगी। इट्स वेरी क्यूट, मेरे को सिखाना आता है इसीलिए कभी पढ़ नहीं सकती, क्योंकि मुझे मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ बहुत प्यार से। ओके, सो एक ये एल्बम हमें कब देखने को मिलेगा, कुछ आइडिया? बहुत जल्द, आई थिंक एक दो महीने के अंदर, दो तीन दिन में हम लोग शूट अच्छी चीजों में टाइम तो लगता है। नथिंग मच, आई एम जस्ट एंजॉयिंग माय लाइफ, वर्किंग हार्ड फॉर माय सेल्फ। You're working extra hard, बहुत मेहनत करते हैं। मैंने इनको बोला कि थोड़ा रेस्ट भी लेना चाहिए, अभी वहाँ से वहाँ शूटिंग, वहाँ से वहाँ, मैंने बोला अरे बाप रे बहुत रेस्ट भी लो, बॉम्बे वाले बॉम्बे इंडस्ट्री का थोड़ा रेस्ट भी लेती है। ओके मैम, और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके? आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, बट यू नो लाइन बाय लाइन आप लोगों को पता चल ही जाएगा, ज़्यादा रिवील करना क्या ही रिवील करूँ, सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने देते हैं। हेलो, हाँ जी निलोफर, हाजिर कर देगा, हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है, इसको बोला पूरा तरीका, हम लोग चलो चलो।